बहुत शुरुआती रुझान है और जो मैं अभी अभी टेलीविजन पर देख के आ रहा हूं तो बीजेपी 38 कांग्रेस 48। अभी आगे बढ़ने से फिर स्थिति का पता लगेगा, एरिया एरिया का फर्क होता है, फिर विश्लेषण भी करेंगे, बात भी करेंगे। और मुझे लगता है कि और घंटे तक, अभी तो पहला राउंड होना है, उससे पहले पोस्टल बैलेट हो रहे थे, उससे पहले स्कैनिंग हो रही थी, स्कैनिंग के बाद पोस्टल बैलेट हुए हैं और फिर पहला राउंड अभी खुला है। तो अब पहले राउंड में अगर 38-48 हारे हैं तो देखो आगे देखते हैं। अच्छा सब आप बड़े रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं, छोटा बच्चा गोद में है। आपको कोई आप अभी थोड़ी देर पहले नहीं, नहीं, मैं तो ऐसे ही हर चुनाव में ऐसे रहता हूँ। मैं तो ऐसे पहले राउंड में आप दूसरे नंबर पे हैं, कितना होना चाहिए था ना। सर आपने कहा मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, तो अभी अगर हम चुनाव आयोग के नतीजे देखें जो अभी तक रुझान आ रहे हैं, 35 पर बीजेपी है, कांग्रेस 29 सीटों पर है, चुनाव आयोग के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं अभी तक? हाँ हाँ, तो मैंने आपको बताया ना अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बक्से खुलने शुरू हुए हैं, ईवीएम खुलने शुरू हुई हैं, अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज्यादा से ज्यादा, तो अभी तो बराबर बराबर है। हाँ बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खोलता नहीं खोलता। अच्छा विशाल, कल बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, एक गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से? आज के मौके से क्या समझ रहा, ये हंसता हुआ कारवा जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यू ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। सब जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है, हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ, ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते सुना है, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं कहते। तो सर मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप अपने पर? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जा रही है उछल कूद भी कम होती जा रही है, तो देखते हैं क्या होता है। जनता का फैसला है, जनता का फैसला मुझे तो लगता है ठीक आएगा। तो आप अभी भी अनिल जी आप अभी भी नंबर बदल गए कम नहीं, इस बार क्या है कि तो पहलवानों की आज नाराजगी है? देखो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हलके पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज को बुनाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी किसी की होगी और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया ऐसा मैं नहीं मानता। विशाल इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं अभी वो उठे होंगे, आएंगे फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है? हाँ हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना होगी। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे, उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है, पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं फिर उनकी स्कैनिंग होती है फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है,
ठीक है ना जी। जिस तरह से ट्रेंड आ रहे हैं, श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहे हैं। नहीं मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा उसी वक्त ही जाता हूँ। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ।